मैंने सोने से पहले ना वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े रखे थे धोने के लिए, और यार तो उन्हें तो धोना बनता है क्योंकि वो पूरे गीले हुए हैं, पूरी रात भर गीले हुए हैं, तो उनको मुझे धो के ही जाना पड़ेगा। तो फटाफट धो लेते हैं फटाक से कपड़े। अरे लाइट कैसी हो रही है मम्मी? लाइट कैसी पड़ा रही है? फिर कैसे करूं? फिर मैं वॉशिंग मशीन चलाऊं कि नहीं चलाऊं? नहीं तो ये तो कुछ नहीं होगा, मशीन को चला दूं। वाले जो पैसे है ना गीले हुए थे वॉशिंग मशीन में मिले हैं, अच्छी तरह फटे नहीं, नहीं तो मेरी वाट लग जाती अच्छे से। ए, कपड़े वपड़े सुखाने के बाद चलते हैं सीधे। वैसे मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि हम एक बहुत ही सुंदर किला जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने अपने नोटों को सुखा दिया है, अब ये धूप में सूखेंगे। अभी मेरी अच्छे तरीके से वार्ड लग जाती, अगर इसमें से एक भी नोट फट जाता तो लगता है आज का दिन काफ़ी लकी है। और फिलहाल फटाफट से कपड़े सुखा लेते हैं अपन। मम्मी ऐसे चले जाऊं क्या? अरे कंगी वांगी कर ले रे, कहाँ ऐसे ही जाना रख छत जैसे। कंगी वांगी कर ले, कहाँ जाना रख छत जैसे, बाद में से भर भर उड़ेंगे। मेरे को तो ऐसे अच्छे लगते हैं ना। हाँ ऐसे मैं तो और आदमी देख के डर जाएगा, चोर डाकू का। काला कैसे दिख रहा है? तो भाई अपना दोस्त आ चुका है, अपना छोटा भाई शेखा। हेलो दोस्तों, और आज हम दोनों जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बेगम महल। तो शेखा ने बता दिया आज हम जाने वाले हैं बेगम महल, और भी मजा आने वाला है। मम्मी जा रहा हूँ, बाय 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 मौसी। मौसी भी आई है अभी हमारे घर में अभी, और मैं जा रहा हूँ मंडला, और गाड़ी चला रहा है सेका। चलो गाड़ी को आ चुका है बुखार। तो यार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बेगम महल। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां का जो शिलालेख, जो कि हमारी गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग की ओर से लगा हुआ है।
जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बेगम महल। बेगम महल इज़ अ ब्यूटीफुल 3-स्टोर रेक्टेंगुलर मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विच वाज बिल्ट फॉर चिमनी रानी। तो शाबाश बेटा। तो बेसिकली दोस्तों आज अपन आए चिमनी रानी के घर में चिमनी रानी के महल घूमने आए हैं। और बीस्ट BMW कह लो या हायाबुसा मुफासा की गाड़ी खड़ी है। और ये है महल भाई धासु, एक नंबर। ठंडा तो सही है, क्या होगा यहाँ पे। हाँ दादू, तो बताओ आप डिंडोरी से आए हो आप सभी लोग यहाँ, मतलब कि कौन रानी थी कौन राजा था ऐसा। पठानिन रानी था। हृदय से आए के घर वाले बेगम के नाम से यहाँ जान रहा है। सयाने लोग बताओ, हम तो पता नहीं है, अगर सयाने लोग बताओ तो हम जान रहे हैं कि बेगम महल है। हाँ दादू, आप लोग कहाँ से आए बता दो पेपरिया। और अपना नाम बता दो थोड़ा। शिवाली। अच्छा, और आप लोग। कंदीलाल मुरारी। आप लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। नायाब किला है ये, दूर दूर से आते हैं देखने के लिए और काफी बहुत ही शानदार है। ठीक है, ठीक है। लोग मानिकपुर से आए हैं बेगम महल घूमने के लिए। और कैसा लगा आपको बेगम महल, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए आप लोग? पहली बार आए हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये वाला जो हम लोग अभी जिस जगह पर खड़े हैं, ये है बेगम महल का सबसे ऊपरी हिस्सा। और ये आप लोग देख रहे हैं जो बीचों बीच, ये है सबसे बड़ा, मतलब कि आप कहना चाहिए एक हॉल टाइप का। मुझको हॉल टाइप का लगा इसलिए मैं हॉल कह रहा हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ हॉल, काफ़ी सही बना। ये किला भी बिल्कुल रामनगर जैसा किला बना है ना, उसी टाइप का मुझे लग रहा है किला, जो कि आर्किटेक्चर उसी टाइप की ज़्यादातर देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये है इस किले का सबसे बीचों बीच वाला हिस्सा। और यदि हम लोग यहाँ से, आप किले के किसी भी हिस्से में ऊपर जा सकते हैं और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर अभी भीड़ बढ़ गई है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग आ चुके हैं और इंजॉय कर रहे हैं। कि आप लोगों को भी टाइम मिलता है तो यहाँ पे आइए। रामनगर से जस्ट 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है रामनगर का किला, सॉरी बेगम महल का किला। काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सही हालत में है वैसे तो। सर मंडला से आए घूमने के लिए बेगम महल को। और सर आप बताइए अपने बारे में, पहले नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र पटेल है, मंडला से, MPB में कार्य करता हूँ। अच्छा, और यहाँ आज परिवार के साथ घूमने भी आया हूँ और यहाँ देखने में काफ़ी अच्छा लगा। रामनगर का मुख्य किला जो है वो भी बहुत बढ़िया है। राय भगत की कोठी वगैरह भी हमने देखी जो काफ़ी अच्छी स्थिति में, कुछ
पुरातत्व विभाग से सुधार कार्य भी किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया मतलब एक पहल है वहाँ की। और ये महल हमने जो बेगम महल देखने आए हैं वो भी लगभग जर्जर स्थिति में है, पर इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। और पुराने ज़माने में ये मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा भव्य रहा होगा, जो अभी सुधार की आवश्यकता होने के कारण थोड़ा सा जर्जर हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि शासन की तरफ से इसमें कुछ अच्छी पहल हो, जिससे कि कुछ अच्छा एक सुधार कार्य हो। सर बहुत बढ़िया। सर आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस बेगम महल के किले में? बस यहाँ जो बावली वगैरह बनी हुई है अभी, जो पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है नहाने का, वो एक आज भी नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर पर बहुत बढ़िया दिख रहा है और आज भी वो अच्छा है, अच्छी कंडीशन में आज भी। हाँ जी। आप पहली बार आ रहे हैं सर यहाँ? हाँ यहाँ पहली बार नहीं, दूसरी बार आना हुआ है। अच्छा, दूसरी बार आना हुआ है। मंडला का ये वाला एरिया काफ़ी हिस्टोरिकल नजरिए से तो काफ़ी समृद्ध है, आदिवासी इलाका है और इतना प्रोग्रेस यहाँ के लोग आज भी नहीं कर पा रहे, खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं विशेषकर। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्रोग्रेस की और थोड़ा सा आवश्यकता है। मतलब कि मुझको भी लगता है कि किले तो बहुत ही एक से एक बढ़कर बना है यहाँ मंडला में। यदि थोड़ा सा और जोर दे दे गवर्नमेंट तो हो सकता है कि यहाँ पे जो होता है ना, जो भीड़ रहती है, जो फॉरेन लोग आते हैं, हाँ यहाँ भी खैर आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट और अच्छे तरीके से करें तो काफ़ी यहाँ का भी बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। ठीक है। तो आप लोग देखिए, ये यूट्यूब में आएगा जी, मुफासा ब्लॉग करके चैनल है, तो उसमें आप देखिए इसको। दोस्तों यदि आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कुंड है इस महल के बाजू में, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट लोगों को। हम जाने वाले हैं कुंड के नज़दीक, कुंड के नज़दीक जाकर देखते हैं, पानी को टच करते हैं, ये वो पानी गर्म है या ठंडा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा जरूर दबा के जाएं और देखते रहें मुफासा ब्लॉग्स।